Hi everyone, I am back with another video. Today I will be doing date night makeup look. Let's get started with this. सबसे पहले मैं अपनी आईलेट्स को कंसील करूंगी. उसके लिए मैं यूज़ करूंगी मेबलिन फिट मी कंसीलर इन द शेड मीडियम. इसे फिंगर से ब्लेंड कर दूंगी. आई कंसीलर को सेट करने के लिए मैं यूज़ करूंगी मेबलिन कॉम्पैक्ट इन द शेड शेल. फिर मैं मार्स पैलेट से रेड मैट आई शेडो लूँगी और क्रीज पर प्लेस करूँगी बिग ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से. आपको एक बार में आई शेडो नहीं लगाना है, ब्रश से थोड़ा थोड़ा लेकर इंटेंस करना है. ग्लिटर को आईज पर स्टिक करने के लिए मैं लूँगी ग्लिटर ग्लू. ये मैंने अली एक्सप्रेस से लिया है. अगर आपके पास ग्लिटर ग्लू नहीं है देन आप जेल आईलाइनर यूज़ कर सकते हो. अब मैं रेड लूज ग्लिटर आईलिड पर प्लेस कर रही हूँ फ्लैट ब्रश की हेल्प से. आईलाइनर के लिए मैं यूज़ करूँगी इनसाइड लिक्विड लाइनर. मैं सिंपली विंग आईलाइनर बना रही हूँ. आई मेकअप कंप्लीट हो गया है तो मैं टेप रिमूव कर रही हूँ. फेस को स्मूथ सरफेस देने के लिए मैं यूज़ करूँगी ब्लू हेवन प्राइमर. इसे फिंगर टिप्स पर लेकर पूरे फेस पर स्प्रेड करूँगी. अब मैं ब्लू हेवन फाउंडेशन इन द शेड सैफ्रन ग्लो को फेस पर अप्लाई करूंगी और इसे पुनः स्टोर ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दूंगी. फेस के डार्क एरियाज जैसे अंडर आईज, लिप कॉर्नर्स और फोरहेड को कंसील करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन कंसीलर. इसे भी ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी. फेस को सेट करने के लिए मैं लगा रही हूँ मेबलिन कॉम्पैक्ट. पॉप फिल पेंसिल इन द शेड 03 से आईब्रोज फिल करूंगी. फिर शेप देने के लिए पेंसिल की अपोजिट साइड से ब्रश कर दूंगी. उसके बाद मैं L18 काजल वाटर लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ. ये काजल काफी डार्क, लॉन्ग लास्टिंग एंड स्मच प्रूफ है. ये मैंने 3-in-1 सिवाना कलर्स करेक्टर एंड ब्राइटन किट लिया है. इससे मैं ब्रॉन्जर, ब्लश एंड हाइलाइटर लगाऊंगी. हाइलाइटर को चीक के हाईएस्ट पॉइंट, फोरहेड, ब्रिज ऑफ द नोज और क्यूपिड्स बो पर लगाऊंगी. मेबलिन कलोसल मस्कारा को मैं अपर एंड लोअर लैशेस पर लगा रही हूँ वॉल्यूम देने के लिए. अब लिप्स के लिए मैं यूज करूंगी कलर बार लिपस्टिक. ये मैंने लाइट शेड लिया है क्योंकि आई मेकअप ग्लिटरी है. मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए मैं यूज करूंगी ADS मेकअप फिक्सर. आई होप ये मेकअप लुक आपको अच्छा लगा हो. तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को क्लिक करना ना भूलें. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग.